Welcome back to my channel Talk with Chalk. Friends, as you know, I have been continuing a series on science which is named Mahamantra, and today's video is the seventh part of this general science Mahamantra. And so today we are going to discuss top 25 selected and often asked questions on chemistry. So wasting no time, let's get going with this video to get started. So the first question is like this: what is the full form or the full name of DDT? It is dichlorodiphenyl trichloroethane. ये एक बहुत ही पॉपुलर डिसइनफेक्टेंट था, मच्छर मारने की दवा था जो स्प्रेड किया जाता था अराउंड दी हाउसेस. देन दी सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दिस: व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन मेकिंग डायनामाइट? डायनामाइट बनाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? इट इज नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, इसमें समझने की बात नहीं है, सिर्फ हमको याद रखना है. देन दी क्वेश्चन नंबर थ्री: व्हिच गैस इज यूज्ड इन पाइरीन फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल स्मॉल फायर? और जब छोटे आकार में जो आग लगते हैं तो पाइरीन गैस यूज किया जाता है, पाइरीन फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज किया जाता है, CTC. देन ग्रीन ब्लू एंड रेड कलर इन मैचेस और फायर वर्क्स इज ड्यू टू व्हाट? दिवाली में जो हम पटाखा जलाते हैं इसमें जो ग्रीन कलर निकलता है, ब्लू कलर निकलता है और रेड कलर निकलता है, इसका कारण क्या है? इसमें बेरियम होता है इसीलिए ग्रीन दिखता है, इसमें कॉपर होता है इसीलिए ब्लू दिखता है, और स्ट्रोंटियम है इसीलिए रेड फ्लेम दिखता है. तो ये तीन कलर, बेरियम के लिए ग्रीन, कॉपर के लिए ब्लू दिखता है और स्ट्रोंटियम के लिए रेड दिखता है, ये सब सॉल्ट है, मतलब कंपाउंड है, बेरियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट और स्ट्रोंटियम सॉल्ट. देन दी अपर लेयर ऑफ द नॉन स्टिक पॉट इज मेड ऑफ टेफ्लॉन. जो पकड़ने, जो पॉट में जो पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल, इस हैंडल किससे बनता है? ये टेफ्लॉन से बनता है. देन दी बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर व्हाट? किस लिए बेंजोइक एसिड यूज होता है? ये फूड प्रिजर्वेटिव है, ज़्यादा दिन तक रखने के लिए खाने को, जैसे अचार बनता है तो अचार में बेंजोइक एसिड मिलाने से बहुत दिन तक फ्रेश रहता है, तो ये फ्रूट प्रिजर्वेटिव है. दी फर्स्ट मैनमेड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? इट इज नाइलॉन. देन दी मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, इट इज फ्लोरिन. हेलोजन कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में हेलोजन, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप के नाम से कुछ गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाते हैं. और सबसे, इनमें से सबसे रिएक्टिव कौन सबसे पहले रिएक्ट करता है? ये फ्लोरीन है. देन क्वेश्चन नंबर नाइन: मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है. देन क्वेश्चन नंबर टेन: कॉइंस आर मेड ऑफ व्हिच एलॉय, कौन सी एलॉय से कॉइंस बनते हैं? ये कॉपर और निकेल से, ठीक है, कॉपर और निकेल से कॉइन बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 11: नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ व्हाट? नाइक्रोम में क्या क्या होते हैं? इसी नाम से ही ये सब हैं, एन मतलब निकेल, CH मतलब क्रोमियम, ठीक है, आई मतलब आयरन, तो इसमें नाइक्रोम में क्या क्या मिल के ये एलॉय बनता है? निकेल, आयरन और क्रोमियम. देन व्हिच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 2nd and 3rd December 1984 में हुआ था, उस फैक्ट्री में कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसियानेट, MIC गैस भी इसको कहते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट कितना है आइस का और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? ये वही 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फारेनहाइट, सेम टेम्परेचर है. आप 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, नहीं तो 32 डिग्री फारेनहाइट भी इसे कहा जाता है, ठीक है. देन सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ व्हाट? सोल्डर मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर को जो जो सोल्डरिंग किया जाता है जोड़ते, जोड़ने के लिए, ये किससे बनता है? ये लीड और टीन से बनता है, लीड और टीन का एक एलॉय होता है जिसे हम सोल्डर के नाम से जानते हैं. द मेन कंपोनेंट ऑफ काउडांग गैस एंड बायोगैस, बायोगैस और काउडांग में, गोबर गैस में,
क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या है, इसमें मीथेन गैस है, ठीक है, इसमें मीथेन गैस है। देन क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल रबर पॉलीमर व्हिच इज यूज टू मेक बेबी बॉटल, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये दिया गया है, जब बेबी का बॉटल होता है ये किससे बनता है, नेचुरल रबर पॉलीमर से बनता है, ये आइसोप्रीन से बनता है, जैसे आर्टिफिशियल ये केमिकल से नहीं बनता है, इसीलिए बेबी बॉटल को आइसोप्रीन से बनाया जाता है। देन व्हिच गैस इज एडेड टू नेचुरल गैस लाइक एलपीजी एज एन ऑडोरेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है, ये मार्क कैप्टन है, इसको मीथेन थियोल भी किया जाता है, कहा जाता है, इस एलपीजी गैस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, अगर हम ये लीक हो जाता तो हमको पता नहीं चलता अगर मार्क कैप्टन इसमें नहीं डाला जाता, इसीलिए मार्क कैप्टन को यूज किया जाता है सो दैट लीकेज कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। देन क्वेश्चन नंबर 18, द एग सेल इज मेड ऑफ व्हाट, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, तो चूना का ये एक फॉर्म है जिससे कि एग सेल बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज लाइक दिस, व्हिच गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, इट इज एमोनिया, ठीक है, ठंडा रखने के लिए जो कंप्रेसर में जो गैस यूज होता है ये एमोनिया गैस होता है, क्यों, इस एज इट हैज जीडब्ल्यूपी एंड ओडीपी इज इक्वल टू जीरो, जीडब्ल्यूपी मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओडीपी मतलब ये क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग करने का जो क्षमता है ये इसमें जीरो है, और ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर को जब कम करता है इसमें भी ये पोटेंशियल इसमें जीरो है। देन व्हिच गैस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ग्लास इज यूज टू मेक सन ग्लासेस, सन ग्लासेस कौन सी ग्लास में यूज होता है, ये क्रूक्स ग्लास कहते हैं, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है CiO2 और सेरियम ऑक्साइड, तो सेरियम ऑक्साइड से बना हुआ ग्लास जो है इसको क्रूक ग्लास कहते हैं, इसी से सन ग्लास बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, द ग्लास यूज टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड किचन वेयर, किचन लैब इक्विपमेंट्स और किचन वेयर बनाने के लिए जो शीशे यूज किया जाता है, जो शीशा यूज किया जाता है इसको पाइरेक्स ग्लास कहते हैं, और पाइरेक्स ग्लास क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी इक्विपमेंट को जब हम केमिकल को हीट करते हैं तो ये टूटने की चांसेस बहुत रहता है, इसीलिए ये इजीली पाइरेक्स ग्लास इजीली ब्रेक नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक्सपांड कर जाता है लेकिन ब्रेक जल्दी नहीं होता, ये जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए पाइरेक्स ग्लास यूज किया जाता है। देन कॉमन एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस आर बोरिक एसिड एंड पोटासियम परमांगनेट, ठीक है, कॉमन एंटीसेप्टिक सब्सटेंस मतलब जो इजीली अवेलेबल है, जो कॉमन है, हर कहीं आपको मिल जाएगा, जैसे कि बोरिक एसिड और पोटासियम परमांगनेट, ठीक है, ये दोनों चीजें मेडिसिन स्टोर में इजीली अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको एंटीसेप्टिक सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं। देन द रीजन फॉर द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज द डिजोल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, तो पानी में हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन कौन सा चीजें डिजोल्व होकर रहता है, यह है कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट होते हैं और मैग्नीशियम, ये दोनों चीजें हैं पानी के अंदर। देन द रीजन फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंटली हार्डनेस कहाँ, कौन सी पानी में रहेगा, जिसमें सल्फेट्स क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, और फिर CaCl, देन मैग्नीशियम, ये तीन चीजें अगर है पानी में तो परमानेंट हार्डनेस रहेगा पानी में, ठीक है, और टेम्पररी हार्डनेस किस में रहेगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट फॉर्म्स और मैग्नीशियम, ये दोनों रहने से टेम्पररी, बाकी अगर हार्डनेस रहेगा पानी में तो क्या मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि अगर जो भी डिटर्जेंट हम यूज करेंगे वो इजीली डिटर्जेंट कपड़ों से नहीं जाएगा, मतलब कपड़ों से
कपड़े के अंदर वो डिटर्जेंट या फिर सॉप जो भी है, साबुन सॉप या फिर डिटर्जेंट, इसमें से हम अलग करने के लिए बहुत तकलीफ होगा और कलर भी फेड हो जाएगा। ठीक है, ड्रेस में कलर फेड होगा। ठीक है, और फिर और कुकिंग में भी प्रॉब्लम होगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक तो दो केमिकल मिलाने से, अगर हम इसमें एक केमिकल यहाँ पे मिलाया दूसरा यहाँ पे मिलाया, ठीक है, अगर इसमें रिएक्शन हो जाता है और हीट निकलता है इसमें से, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसको हीट चाहिए होता है, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा और एंडोथर्मिक मतलब हीट की जरूरत पड़े। दिस वॉज ऑल दैट आई हैव फॉर टूडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज ए यूजफुल वीडियो टू यू। इफ यू फील इट यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव ए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो बी ए करियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस। थैंक यू।